नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स अड्डा और आज का आईपीएल का मुकाबला पंजाब 11 और आरसीबी के बीच में हुआ, जहां पर आरसीबी ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग को चुना। वहीं पंजाब 11 मैदान में उतरी बैटिंग करने के लिए, जहां पर शिखर धवन ने 37 गेंदों में 45 रन जड़े, जिसमें से 5 चौके और 1 छक्का शामिल है। वहीं अगर बात करें जॉनी बेस्ट्रो की, तो जॉनी बेस्ट्रो ने 6 गेंदों पर 8 रन बनाए, जिनमें से 2 चौके थे। लेकिन मोहम्मद सिराज की गेंद पर बेस्ट्रो आउट हो गए, विराट कोहली ने उनका कैच पकड़ा। वहीं प्रभ सिमरन की बात करें तो 17 गेंदों में 25 रन प्रभ सिमरन ने बनाए, जिसमें से 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं लिविंगस्टोन की बात करें तो 13 गेंदों पे 17 रन लिविंगस्टोन ने बनाए, जिसमें से 1 चौका और 1 छक्का शामिल है। वहीं पर सैम करन की बात करें तो सैम करन ने 23 रन बनाए हैं 17 गेंदों में, जिसमें से 3 चौके शामिल है। वहीं जय शर्मा की बात करें तो जय शर्मा ने 27 रन बनाए 20 गेंदों में, जिसमें से 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। वहीं एस सिंह की बात करें तो 21 रन उन्होंने बनाए और बरार ने 2 रन बनाए, दोनों ही नाबाद थे। और 20 ओवर में किंग्स 11 का स्कोर 11 का 176 था। टोटल 20 ओवर की बात करें तो किंग्स 11 ने 176 रन का स्कोर आरसीबी को दिया है 6 विकेट गवाकर। और आरसीबी की बॉलिंग टीम की अगर बात करें तो मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर के अंदर 26 रन दिए, वहीं 2 विकेट भी चटकाए। वहीं अगर दयाल की बात करें तो 4 ओवर के अंदर 23 रन देकर 1 विकेट दयाल ने भी चटकाया है। वहीं जोसेफ की बात करें तो जोसेफ के खाते में भी 1 विकेट आया है 4 ओवर के अंदर 43 रन देकर जोसेफ ने 1 विकेट चटकाए हैं। वहीं ग्रीन की बात करें तो 2 ओवर के अंदर 19 रन दिए, लेकिन 1 भी विकेट उनके खाते में नहीं आया। वहीं अगर मैक्सवेल की बात करें तो 3 ओवर के अंदर 29 रन देकर 2 विकेट मैक्सवेल ने चटकाया है। वहीं दागर की बात करें तो दागर ने 3 ओवर के अंदर 34 रन दिए हैं, लेकिन 1 भी विकेट दागर के खाते में नहीं आया है। और सबसे महंगे जोसेफ और दागर ही आरसीबी के लिए साबित हुए हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आरसीबी 176 रनों का स्कोर क्या चेस कर पाती है या नहीं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।